हाय एवरीवन, वेलकम टू शिव क्रिएट स्टाइल। आज मैं कपड़े के छोटे से टुकड़े से एक बहुत सुंदर सा डिज़ाइन बनाकर आपको दिखाऊंगी अपनी उषा जेनोम सोइंग मशीन की सहायता से। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा ये सिल्वर कलर का धागा, ये, और हमें चाहिए होगा ये कपड़े का छोटा सा टुकड़ा जो कि हमारे ब्लाउज के पीस में से बचा हुआ है। 3x3 का ये टुकड़ा हमने लिया है और ये हमने ली है पेस्टिंग बुकरम। इसी में हम वो पीसेस जो हमने कट किए हैं उन्हें इस तरह प्रेस की सहायता से इस तरह चिपका देंगे और ये हमारे पास इस तरह से चार टुकड़े तैयार हो जाएंगे। अब हमने स्टिच सेलेक्टर को सेट करना है सी पर। लेंथ लेनी है हमें 1 और विड्थ लेनी है हमें 2। ये हमारी मशीन की सेटिंग हमने करनी है। अब हमें कॉर्नर टू कॉर्नर इस तरह स्टिच करते हुए कपड़े पर डिज़ाइन बनानी है। अब ये हमें दूसरे कॉर्नर से नेक्स्ट कॉर्नर तक इस तरह से स्टिचिंग करनी है और अब हमें सेंटर टू सेंटर एक स्टिच लगानी है इस तरह से। अब हमारा जो बचा हुआ सेंटर है उसमें भी हम इसी तरह से डिज़ाइन कर लेंगे। अब ये हमारे पास ट्रायंगल जो बन गए हैं उनके बीच में भी हमें इस तरह से स्टिच कर लेना है। बीच में लास्ट चार ट्रायंगल जो बचे हुए हैं इनमें मैंने अपनी डिज़ाइन में थोड़ा चेंज किया है। स्टिच लेंथ को मैंने 1.5 पर रख के इस तरह से बीच में थोड़ा डिज़ाइन को चेंज किया है इस डिज़ाइन को एक अच्छा लुक देने के लिए। तो इस तरह से ये देखिए हमारी डिज़ाइन ये क्रिएट हो गई है कपड़े पर। अब हमें इसके किनारों पर भी इस तरह से डिज़ाइन कर देना है एक बॉर्डर। इसी बॉर्डर के साथ हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने एक कपड़ा लिया है जिसमें ऑलरेडी डिज़ाइन है जिससे कि हमारी दोनों तरफ डिज़ाइन क्रिएट हो जाए। अब इस तरह जो हमने बॉर्डर पर सिलाई लगाई थी उसी के साथ साथ हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है। थोड़ा सा हमें जगह छोड़नी है जिससे कि हम कपड़े को पलट सकें। अब हमें कॉर्नर कट कर लेने हैं इस तरह से और इसको सीधा कर लेना है। ये मैंने कैंची की सहायता से इसके कॉर्नर्स भी सीधे कर लिए हैं। इस तरह से इसको पूरा सीधा कर लिया है। अब क्या करना है कि जो हमारे कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए हैं उनको इसके अंदर डाल देना है हमें, जिससे कि इसका एक अच्छा सा टेक्स्ट, बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बन जाता है, फ्लफी थोड़ा हो जाता है तो ये अच्छा लगता है और फूला फूला सा। इस तरह से बराबर कर लेना है। अब हम इसमें अपनी डोरी, चाहे गोल्डन कलर की या सिल्वर कलर की, जैसी भी आपको डालनी हो इसमें डाल सकते हैं। तो ये मैंने गोल्डन कलर की डोरी मेरे पास थी तो ये मैंने इसमें डाल दिया है और ये जो थोड़ा बहुत अनइवन कपड़ा है इसको अंदर करते हुए इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है और सिलाई को पक्का करने के लिए हमें इसे डबल कर देना है। अब ये देखिए इस तरह हमारी डिज़ाइन बनके तैयार हुई है। अभी हमें इस पर टैसल लगाने हैं। ये टैसल भी मैंने उसी सिल्वर कलर के धागे से रेडी किए हैं। अच्छा, टैसल कैसे बनाते हैं अगर आपको ये देखना है तो आपको इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आप चाहेंगे तो मैं इसका लिंक आपको यहाँ पर लगा दूँगी और किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर चैनल पे आपको ये डिज़ाइन, ये टैसल और ये लटकन का डिज़ाइन पसंद आया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और उसके बाद इसकी एडिटिंग वगैरह बहुत मेहनत होती है एक वीडियो के पीछे। तो एक लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट करें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये देखिए इस तरह से हम डिज़ाइन बना रहे हैं। अब ये जो टैसल की नीचे का हिस्सा थोड़ा बहुत जहाँ भी अनइवन है उसको इस तरह से बराबर से कटिंग कर देंगे इस
इस तरह से। और देखिए इस लटकन को आप कहीं भी लगा सकते हैं, अपने लहंगा, अपने ब्लाउज, किसी भी चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगती है ये। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।